के बच्चे आज हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पिछला आर्टिकल करवाया है उसकी एक छोटी सी समरी देखते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो वाई है वो होती है ए साइन उमेगा टी और अगर मुझे विलॉसटी निकालनी हो तो वो होती है डी वाई वाई डी टी तो A omega साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसी होती है कॉज ओमेगा टी ऐसे ही जो एक्सलेशन होती है वो होती है डी वी बाई डी टी तो डी बाय डी टी का आंसर यहाँ से निकाला है एमेगा ओमेगा टी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टी का आंसर आता है साइन ओमेगा टी तो ये मैंने आपको पिछला करवाया हुआ है सारा ये आंसर है कॉस की टर्म्स में बट अगर मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इस कॉस को पहले मुझे साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा तो उमेगा कॉज उमेगा टी को हम साइन उमेगा टी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं साइन लिखूंगी और नाइन्टी एड कर दूंगी। उमेगा टी प्लस फाइव टू ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा ये जो क्वाड्रेंट है फाइव बाई टू प्लस थीटा वाला यहाँ पे साइन नाइन्टी पे वैल्यू चेंज हो जाती है और टू सेवेंटी पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो साइन नाइन्टी पे ये बन गया कॉज और ओमेगा टी एंगल एज इट इज़ और इस क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन की पॉजिटिव आएगी तो कॉज ओमेगा टी हो गया कॉज ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस नाइन्टी क्योंकि नाइन्टी पे साइन बन जाता है कॉज और ओमेगा टी एज इट इज़ वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी ठीक है तो अब यहां पर है माइनस ए उमेगा स्क्यर साइन उमेगा टी इस माइनस को अगर एडजस्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे माइनस ए उमेगा स्केयर साइन ओमेगा टी प्लस पाई ये माइनस अब हट जाएगा क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगी साइन वन पे वैल्यू नहीं बदलती तो साइन ही रहेगा वैल्यू चेंज होती है नाइन्टी पे और टू सेवेंटी पे इन दोनों पे साइन को साइन बन जाएगा बट वन एटी पे साइन साइन ही रहेगा तो जब मैं इसे खोलूँगी साइन ओमेगा प्लस पाई को क्योंकि पाई है वन एटी का एंगल है तो साइन र सा साइन ओमेगा टी एंगल आ गया लेकिन इस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जब आंसर खुलेगा तो नेगेटिव आ जाएगा तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री से आगे है प्लीज़ कंपेयर वाई का आंसर है ए साइन omega टी और विलोसिटी का आंसर है एमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और एक्सेलरेशन है माइनस एमेगा स्केयर प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई तो कंक्लूजन क्या निकला इसका वेलोसिटी 90 से लीड कर रही है हेड आगे है किस से डिसमेंट से बाय एन एंगल पाई बाय टू बाय एन एंगल पाई बाय टू ठीक है और एक और कंक्लूजन निकला कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इन एस एच एम जो एक्सलरेशन है वो कितने डिग्री एंगल से है डिसप्लेसमेंट से इज अ हैड बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू सॉरी बाय एन एंगल पाई ये पाई से आगे चल रही है ना पाई से आगे चल रही है इससे इन दोनों पहले इन दोनों को कंपेयर किया वन एंड टू को फिर वन एंड थ्री को कंपेयर किया तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक्सलेशन इज अ बाय एन एंगल पाई क्लियर एक और की जो एम्पलीट्यूड है वेलोसिटी का विलॉसिटी में इससे कंपेयर करो तो उमेगा का फैक्टर और आ रहा है तो विलासिटी का जो एम्पलीट्यूड है amplitude of velocity is omega times the amplitude of displacement similarly acceleration mein check kijiye acceleration mein amplitude is omega square times the amplitude of the displacement kyunki isme omega square hai to तो amplitude का फर्क है इसलिए हमने उसको भी conclude कर दिया Clear? अब चेक कीजिए बच्चे इसका graph कैसे बनेगा अगर डिस्प्लेसमेंट है टाइम ज़ीरो हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वाई में साइन उमेगा है ना साइन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है ये मिनिमम वैल्यू आ गई अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो वेलोसिटी, वेलोसिटी में कौन सा एंगल है ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ए उमेगा कॉज उमेगा टी जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो कॉज ज़ीरो की वैल्यू आपको पता है वन होती है तो ज़ीरो डिग्री पे विलॉसटी कॉजोमेगा टी है या ये भी है साइन उमेगा टी प्लस फाइव बाई टू ठीक तो मैं अगर टाइम को ज़ीरो पुट कर दूं तो साइन नाइन्टी बनेगा चाहे मैं इससे निकाल लूं चाहे मैं इससे निकाल लूं दोनों एक ही बात है ठीक है तो बच्चे आप याद रखना साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है एंड कॉज ज़ीरो वन होता है साइन नाइन्टी वन होता है एंड कॉज नाइन्टी इज़ीरो ठीक है तो वाई ज़ीरो हो गया देखिए और वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई कितनी आएगी क्योंकि साइन उमेगा का फैक्टर जीरो हो गया लेकिन पाई सॉरी ये वाली ये वाली टर्म सेकेंड वाली साइन उमेगा का फैक्टर जीरो तो साइन नाइन्टी बचा साइन नाइन्टी इज वन तो ओमेगा ए, ए आएगा तो ये ए उमेगा यहाँ पर वैल्यू आएगी मैक्सिमम अब मुझे एक्सलारेशन निकालनी है वेन टाइम ये टाइम है टाइम ज़ीरो है तो एक्सलरेशन ये वाली वैल्यू है ए उमेगा स्क्वायर ये टर्म हो गई ज़ीरो और फिर बचा साइन पाई साइन पाई जो है वो जीरो होता है और कॉस पाई माइनस वन एटी होता है तो एक्सलरेशन भी इस पर हो गई ज़ीरो अब चेक कीजिए जब टाइम हो टी बाय फोर यहाँ पे पुट करते हैं बच्चे तीनों इक्वेशंस में वाई इज इक्वल टू ए साइन उमेगा टी ए साइन टी की वैल्यू क्या पुट करनी है टी बाय फोर तो t बाय फोर टी बाय फोर के लिए जो साइन है वो क्या होगा उमेगा होता है टू पाई बाई टी तो उमेगा को पुट कर दिया टू पाई बाई टी टी से टी कैंसिल टू से टू कैंसिल नाइन्टी आ गया साइन नाइन्टी इज़ वन तो सिर्फ ए बचा तो यहाँ पर आएगा ए तो y की वैल्यू टी बाय फोर पर आएगी a ऐसे ही जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी ज़ीरो और इधर टी बाई फोर पर ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इन वैल्यूज़ के साथ कि अगर वैल्यू ज़ीरो होगी तब क्या वैल्यू और टी बाई फोर होगा तब y v और a कैसे चेंज होते हैं क्लियर तो इसे हम एक डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं सबसे पहले एक एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ हमें प्लॉट करना है ठीक तो वाई के लिए ये ऐसे बनेगा ग्राफ क्योंकि देखिए जब टाइम जीरो है तो वाई ज़ीरो है जब टाइम टी बाय फोर है तो एम्पलीट्यूड ए हो गया जीरो पे जब टाइम ज़ीरो था तो वाई भी ज़ीरो हो गया इस एक्सिस पे वाई है और इस एक्सिस पे टाइम है और जब टाइम टी बाय फोर हुआ तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई जो ए थी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे टी बाय फोर पे वाई ए है ऐसे ही जब मैं आगे निकालूंगी टू टी फोर पे तो वाई का आंसर आएगा ज़ीरो यहाँ पे जब हम लेते हैं टू टी बाय फोर ये यह यहाँ पर आएगा टू टी बाई फोर तो वाई का फिर से हो गया जीरो तो ये ग्राफ है जब वाई है ए साइन उमेगा टी उमेगा होता है टू पाई बाई टी और टी की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है सेकेंड से चेक कीजिए ग्राफ वेलोसिटी का वेलोसिटी किसके इक्वल है विलोसटी है y इज इक्वल टू एमेगा कॉज टी ऐसे भी लिख सकते हैं विलासटी v और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए उमेगा साइन उमेगा टी प्लस फाइव बाय टू तो इस कर्व से वेलोसिटी 90 डिग्री से आगे चल रही है तो 90 डिग्री से आगे चलेगी तो ऐसे बनेगा कर्व क्योंकि वो uh, थोड़ी आगे चल रही है तो यहाँ से शुरू होगा 90 से आगे यहाँ जीरो पे लो जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी थी ये देखो वेलोसिटी जीरो पे है मैक्सिमम ए उमेगा और फिर टी बाय फोर पे जीरो यहाँ पे देखो जब जीरो था तो उसकी वैल्यू, तो वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी ओमेगा फिर टी बाय यहाँ पे फोर पे वैल्यू हो गई जीरो फिर यहाँ पे होगा टू टी बाय फोर तो उसकी वैल्यू मैंने, मैंने मैक्सिमम बनाई थी और माइनस में तो ये नीचे चली गई माइनस में हो गई और वो वैल्यू थी माइनस ए उमेगा इस तरह से ग्राफ चल रहा है नेक्स्ट ग्राफ हम प्लॉट करें एक्सलरेशन के बीच में एक्सलरेशन जो थी वो उसकी वैल्यू है एक्सलेशन कैपिटल ए माइ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और इसे हमने लिखा कैसे था ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई तो ये है वो पाई एंगल से आगे चल रही है अगर पाई ये ऐसे पूरा सर्कल पाई का होता तो वो यहाँ से शुरू होगी मतलब क्रेस्ट और ट्रफ़ का फर्क है जो यहाँ पे क्रेस्ट थी इस केस में वो ट्रफ़ बन जाएगी तो ये नीचे से शुरू होगा पूरा साइकिल टू पाई का होता है ठीक है तो ये पाई से डिफर कर रही है पाई से आगे है तो पहले नीचे का साइकिल आएगा तो यहाँ पे चेक करना ज़ीरो पे एक्सेशन जीरो थी फिर मैंने निकाली थी टी बाय फोर पे उस पर थी माइनस ए ओ मेगा फिर टू टी बाय फोर पे एक्सलेशन की वैल्यू ज़ीरो ये सब इसमें पुट करके निकाल रहे हैं तो ज़ीरो पे ज़ीरो टी बाय फोर पे माइनस ए ओमेगा मेगा वो आ गई वैल्यू नीचे चला गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर फिर टू टी बाय फोर पे ये आंसर जीरो है फिर ये नेक्स्ट हम निकाल लेंगे थ्री टी बाय फोर पे और लास्ट में आएगा टी तो ये तीनों कर्व्स जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेशन का आपस में लिंक बताते हैं वेलोसिटी पाई बाई टू से आगे है और एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई से आगे है वही इस ग्राफ में मैंने शो किया है लुक ओके okay, बच्चे प्लीज कीप इन योर माइंड दैट साइन जीरो जीरो साइन 90 वन एंड साइन 180 इज जीरो एंड कॉज जीरो इज वन कॉज 90 इज जीरो एंड कॉज वन एटी इज माइनस वन जहाँ पे साइन ज़ीरो है वहाँ पे कॉस ज़ीरो वन होगा साइन नाइन्टी पे वन है तो कॉस नाइन्टी ज़ीरो होगा साइन वन एटी ज़ीरो है तो कॉस वन एटी माइनस वन है नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल एनर्जी इन एस एच एम सिंपल हारमोनिक मोशन की इस आर्टिकल में हमें टोटल एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी जो है वो समप होती है टू टाइप्स की एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो पहले हम निकाल लेंगे पोटेंशियल फिर एक्सप्रेशन निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी का दोनों को सम अप कर हमें टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है देखो सपोज एक सिंपल पेंडुलम है ऐसे ये है उसकी मेन पोजीशन यहाँ से वाइब्रेट करके सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया ये थी उसकी मेन पोजीशन तो यहाँ पे उसने एक हाइट अटेन कर ली एच किसी पोजीशन में सेट हुआ फिर दोबारा नीचे आया तो यहाँ पे उसकी हाइट है नहीं है तो इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है ठीक है और मेन पोजीशन पे हाइट उसने अटेन नहीं करी हाइट ज़ीरो है तो हाइट ज़ीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी मेन पे मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी कब है उसमें ये क्योंकि पार्टिकल जब डिस्प्लेस होता है एक पर्टिकुलर हाइट पे एक पोजीशन में सेट होता है तो उसकी वजह से उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी मैं रिपीट कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजिशन इसकी वजह से ये एनर्जी उसमें सेट हुई है और काइनेटिक एनर्जी उसमें कैसे सेट हुई है क्योंकि वो मोशन में है और हाइट पे जाके यहाँ पे जब वो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का उसके अंदर सोर्स क्या है दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ये किसकी वजह से है उसकी विलॉसिटी की वजह से है और दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इन्हें सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो बच्चे बड़ा क्लियर है कि पार्टिकल को अपनी मीन्स से एक्सट्रीम पोजिशन तक जाने के लिए कुछ डन करना पड़ेगा मीन्स डन करना पड़ेगा डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ये होती है मेन और ये वाली होती है एक्सट्रीम पोजिशन तो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट एफ डी वाई तो मुझे एफ चाहिए और वाई चाहिए तो एफ़ कैसे निकलेगा और वाई ये सारी वैल्यूज चाहिए उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है और वा, 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 विच टाइप ऑफ वर्क इज डन मैंने अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा है मेन पोजीशन से तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट डन जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है वो अगेंस्ट होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि वर्क डन इधर को करना पड़ रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगा रहे हैं तो डी डब्ल्यू इज फोर्स साथ में क्या लगाया मैंने डिस्प्लेसमेंट उसकी जो है डी वाई तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है री स्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो सब मैं यूज़ कर रही हूँ अगर बच्चे मैं इसको री स्टोरिंग फोर्स बोल रही हूँ एफ़ को तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा क्योंकि री स्टोरिंग फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है ठीक है तो अब अपना आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस बात को माइंड में रखते हुए कि मुझे फोर्स के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सलारेशन तो मतलब मुझे एक्सलारेशन चाहिए और एक्सलारेशन डिस्प्लेसमेंट पता है वेलोसिटी पता है एक्सलरेशन पता है मैं सब पहले निकलवा के आए, आ चुकी हूँ तो इसलिए हम पहले कंसिड्रेशन में सारे सिम्बल्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एक पार्टिकल जिसका मास एम है और सिंपल हारमोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड है ए उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी उमेगा है टी टाइम में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कंसिड्रेशन में लिख के उसकी डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन उमेगा टी अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ विलासिटी वी इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी टी ये स्टेप ज़रूरी नहीं है करने हैं आप एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद कर सकते हैं वाई की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी इसके डिफ्रेंसीशन करके बार बार ये स्टेप मैं आपको करवा रही हूँ ए ओमेगा कॉज उमेगा टी आएगा दिस इज़ द आंसर हो वी लेकिन मुझे वी नहीं चाहिए मुझे एक्सलरेशन चाहिए क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है तो एक्सलरेशन एज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी वो आएगी माइनस ए उमेगा स्केयर साइन उमेगा टी ये मैंने आपको पहले सारा डिराइव कराया हुआ है ए ओमेगा टी को ए ओमेगा टी को वाई पुट कर सकते हैं तो वाई ए ओमेगा टी को वाई और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ये भी मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है तो बच्चे इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जरूरी नहीं है इसको आपको डिराइव करना है तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया माइनस वाई उमेगा स्केयर नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन मतलब मीन की तरफ है ये नेगेटिव साइन उसको शो कर रहा है अब फोर्स निकाल देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जिसके लिए मैंने ये साथ तीनों स्टेप किए हैं रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एफ इजिक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन वट इज एक्सलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ये वैल्यू बन गई और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ इस पेज की समरी ये है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होती है वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या है मास इंटू एक्सलरेशन तो मुझे एक्सलरेशन चाहिए थी और एक्सलरेशन मैंने निकाल ली है माइनस वाई उमेगा स्केयर अब मैं फोर्स निकाल रही हूँ एम इंटू ए माइनस एम उमेगा स्केयर वाई इस एक्सलरेशन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिराइविंग तो देखिए नेक्स्ट फोर्स निकाल लिया मैंने पिछले पेज से स्टेप निकाला है एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्केयर वाई ये जो बच्चे एम ओमेगा स्केयर है इसे के लिखते हैं के इज कॉल्ड फोर्स कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्सटेंट सो एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई ठीक है बस अब टोटल वर्क डन निकाल देना हमने टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी वाई ये मैंने वही पहले वाला स्टेप उठाया डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू निकाल ली है पुट कर देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के वाई डी वाई टोटल वर्क डन आएगा इनको इंटीग्रेशन करके के बाहर वाई डी वाई डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू वाई डी वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर बाई टू पावर एक से रेस्ड और रेस्ड पावर से डिवाइड सो so, ये जो वर्क डन है दिस डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो डब्लू यहां से निकल गया अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं के हाफ वाई की वैल्यू है ये जो वाई है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है तो पुट कर देते हैं के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं के क्या था ये वाली के है ना एम ओमेगा स्क्वायर लोक के इज इक्वल टू एम तो मैं सब कुछ पुट कर रही हूँ K को लिखा एम उमेगा स्केयर बाय टू वाई होता है ए साइन ओमेगा टी तो वाई स्केयर है ना तो ए स्केयर साइन ओमेगा टी तो पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी आ गई हा एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर साइन स्केयर उमेगा टी सपोज दिस इज वन पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव कर ली है अब मैं क्या डिराइव करूँगी कानेटिक एनर्जी ठीक है तो चेक आउट द स्टेप्स टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर हाफ एज इट इज एम एज इट इज वी का आंसर मैंने अभी आपको बताया है वो होता है ओमेगा कॉज ओमेगा टी की स्क्वायर हाफ एम ए स्केयर ओमेगा स्केयर कॉज स्केयर ओमेगा टी दिस इज टू ठीक है अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करके काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो वैल्यू क्या बनेगी हाफ कॉमन एम कॉमन ओमेगा स्केयर ए स्केयर कॉमन हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर अंदर बचा साइंस केयर ओमेगा टी प्लस कॉस्केर ओमेगा टी विच इज इक्वल टू वन तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हारमोनिक मोशन ठीक है तो इस एक्सप्रेशन में जो ओमेगा है वो होता है टू पाई न्यू इसे इस टर्म में भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा की वैल्यू टू पाई न्यू स्केर ए स्केयर हाफ एम फोर पाई स्केयर न्यू स्केयर ए स्केयर ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे ठीक है अब हमने केसेस देखने हैं मैंने अभी आपको बताया था कि हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है मतलब मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी ज़्यादा है और एक्सट्रीम पे कौन सी ज़्यादा है तो उसके लिए हम केसेस uh, देखते हैं चेक करते हैं सपोज किसी भी इंस्टेंट पे मेन पोजिशन की हम बात कर रहे हैं एट मेन पोजिशन मीन पोजिशन पर डिसप्लेसमेंट आपको पता है वो होती है जीरो तो y इज इक्वल टू ज़ीरो वाई ज़ीरो होगा तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देती हूँ कितनी आई है पोटेंशियल एनर्जी का आंसर था हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चेक कीजिए यहाँ से मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी हाफ ये वाली एम ओमेगा स्क्वायर ए स्केयर ये वाली वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे ए स्केयर साइंस केयर ओमेगा टी को हम वाई स्केयर भी लिख सकते हैं मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्केयर और बाकी टर्म को वाई स्केयर तो यहीं से मैंने ये लिखा है स्टेप हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर अगर वाई ज़ीरो है तो मेन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो ठीक है ऐसे ही अब मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रही हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ये ऐसे होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी मैं बताती हूँ कैसे लिख रही हूं मैं y जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो ये हो गई मैक्सिमम एनर्जी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये स्टेप देखिए मैंने कैसे लिखा है यहीं से मैंने बनाया है ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये वाली हाँ एम ओमेगा स्क्वायर ये वाली वैल्यू इसमें जो स्क्वायर उमेगा टी है अगर मैं इसे लिख दूँ वन माइनस साइंस केयर ओमेगा टी ये स्टेप आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं और साइनोमेगा टी इक्वल होता है वाई बाई ए के क्योंकि वाई इज इक्वल टू ए साइनोमेगा टी तो यहाँ पे भी स्केयर यहाँ पे भी स्केयर तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी ये वाली टर्म बन जाएगी ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ये मेन पोजिशन की बात हो गई नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं ये था वाई जब जीरो है और टाइम टी इंस्टेंट हो गया ज़ीरो पे अब टी सपोज टी बाय फोर है तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा तो टी बाय फोर में y जो है वो a होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ पे जैसे मेन पोजिशन पे y जीरो लिया जब टाइम t बाई फोर है तो y हो गया एक्सट्रीम पोजिशन पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ पे y की जगह a पुट कर देंगे क्योंकि मैं ये कंडीशन ले रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये है वाई स्केयर वाई स्केयर की जगह फिर मुझे क्या पुट करना है ए स्केयर ए स्केयर माइनस ए स्केयर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई जीरो तो जब टी टी बाई फोर का इंस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो तो एक्सट्रीम पोजिशन पे अब इसको अगर मुझे ग्राफिकली शो करना हो तो कैसे करेंगे जिस पॉइंट पे सपोज करो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ये कैसे हुई मैं बताती हूँ यहाँ पे टाइम ज़ीरो था जब टाइम ज़ीरो था ये वाला इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से शुरू करनी पड़ी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी का कह मैं इसे डॉटेड बना रही हूँ ये देखिए ये जो कह मैंने अब बनाया है ये है पोटेंशियल का बच्चे बिल्कुल क्लियर है मेन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो काइनेटिक मैक्सिमम ये मेन पोजीशन है ये यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम और ये है पोटेंशियल एनर्जी वो है ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी इज डॉटेड लाइन और फिर ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो टी बाय फोर की मैंने बताई है दिस इज़ टी बाय फोर टी बाय फोर पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे देखो हो गई मैक्सिमम और यहाँ पे कानेटिक एनर्जी इज़ जीरो टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी ऊपर वाली है टोटल एनर्जी दैट इज कंजर्व वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि दोनों को मिला के एक ही आंसर आएगा चाहे मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूँ चाहे पे यहाँ पे भी टोटल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूँ तो वैल्यू सेम रहेगी तो टोटल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन ठीक है